किसी ने मेरा लाइव शो पहले सुना हुआ है मुझे लाइव कभी नहीं? ठीक है, तुम्हारा कटा और किसका कटा? हाँ जी, लाइनअप में कहाँ पे? JNU JLN स्टेडियम। है दोनों जवाहरलाल नेहरू पर बहुत अलग अलग है। मेरी पटली मैं कब गया JNU? तो जिसने पहले, मुझे तो याद नहीं मैंने वहां पे क्या किया था, पर कुछ तो सुना ही होगा आपने जो। ठीक, तो याद आ गया मेरे को 15 मिनट तो। हाँ, आपका भी कटा है 15 मिनट का। आपने कहा सुना था भाई? DTU वो रेस्टोरेंट वाला, वो तो अमेजोन पे डाल दिया मैंने। हाँ ठीक है। अरे DTU इनका कॉलेज है, 5-6 हजार बच्चे खड़ा कर देते हैं और आर्टिस्ट को बुला लेते हैं बेइज्जती कराने के लिए। ऐसे स्टेज पे जाने से पहले ना ऐसा पानी भर रखा है उसमें जो छोटे ब्लॉक्स हैं, तो तकशीस कासल खेलता हुआ आर्टिस्ट जाता है और लग रहा होता है अगर एकदम से गिर गए 6 हजार लोग वीडियो बना रहे तुम्हारी। और फिर ऐसे बिठा देते गोले में, ये एक जोक यहाँ सुना रहे हैं एक यहाँ सुना रहे पलट के। यार मैं कोविड के चक्कर में 2 साल पीछे चला गया ना, पहले मैं वर्ल्ड टूर करने जा रहा था फिर कोविड आ गया। अब मुझे लग रहा मैं ही मनहूस हूँ। हाँ यार देखो, मैंने हॉस्टल वाली वीडियो डाली, लॉकडाउन लग गया। मैंने रूममेट डाली, दूसरा लॉकडाउन लग गया। 20 मार्च को मेरा पासपोर्ट आया, 22 मार्च को मोदी जी आ गए। मैंने फोर्ड एंडेवर खरीदी, फोर्ड इंडिया से भाग गई। तो मुझे लगता था, मैंने खुद अपने आप को बोला कि आप वीडियो नहीं डालेंगे क्योंकि कोविड मेरी वजह से आ रहा है। किया तो काफी परेशान कोविड ने, बट ठीक है। दिल्ली में था ना मैं, तो यहाँ तो कोई इज्जत नहीं कर रहा था कोविड। मैंने लड़के मास्क एक्सचेंज करते देखे हैं कि अब ये वाला मुझे दे दो थोड़ी देर के लिए। आप तो अभी मास्क लगा बैठे, किसका चूतिया बना रहे हो? भाई मेरे गुड़गांव में शो था, वो मास्क वाला शो था, दोनों को लॉकडाउन के बीच में। तो शो के बाद एक लड़का आया, कह रहा सर फोटो खिंचानी। मैं कहा भाई मास्क लगा ले। वो मास्क लगा के आया, फोटो खिंचाई, गया, उसने अपना मास्क अपने दोस्त को दिया और वो मेरी तरफ चला। मैंने कहा एक सेकेंड, मैंने कहा क्या किया तुमने भी? तेरा भैया हम पे एक ही है। एक तो मुझे ओवरऑल ही ना कोविड ऐसा बीमारी पसंद नहीं आई। हाँ मुझे थोड़ी लवली लवली मौत चाहिए, अखबार में तो आए कम से कम कि बस्सी को शेर खा गया। तुम भी सोचो, हाँ शेर था, क्या ही कर सकता था। हाँ ये माता कोई ऊपर जाके पूछे कि कैसे मर गए, कि दो बेस्ट फ्रेंड बैठे थे, एक ने छींक दिया। मैंने गॉड ब्लेस यू बोला, बेंचो मैं ही मर गया। एक तो यार मुझे ना बाहर जाके पता चला कि कोविड का टेस्ट आसान है, जो हमारे साथ हो रहा है बहुत बुरा हो रहा है ये। क्योंकि देखो कोई टेस्ट की प्रैक्टिस तो हुई नहीं थी, एकदम से आ गया था, फिर कहां से आई ये टेस्ट करने वाले। इन्होंने किसी के भी हाथ में झोला पकड़ा दिया कि जाओ बेटा घर घर जाओ, लोगों की नाक तोड़ दो। भाई मैं ना शोज के चक्कर में 1500-2000 टेस्ट करा चुका हूँ, मेरा सब खोल दिया इन्होंने ये। मैं घर पे खाली बैठा हूँ, सांप निकाल लेता हूँ इसमें। हाँ मतलब मैं तो दुबई एयरपोर्ट पे पहुंचा, उसने वहां जाके ऐसे बिठाया और वो सेम वही एयरबड ऐसे टच करी नाक में, निकाल ली, कह रहा सर यू मे गो। मैं कहा तुम्हें आता ही नहीं है, ये ऐसे पूरा खराब कर दो ना, उसे जब तक मैं रो ना दूं तब तक कैसे जाने दे रहे। कह रहा नहीं ऐसे ही होता है। मैं कहा तुम्हें नहीं आता। मैं वापस दिल्ली एयरपोर्ट आया, मैं कहा भैया मेरा टेस्ट कर दो। भाई एक आदमी ने मेरे दोनों कान पकड़े और मुझे दीवार से लगा दिया, फिर एक तलवार मेरी नाक में डाली और फिर उनने कुछ ढूंढना चालू करा। भाई उसे देख के लग रहा था ये कोविड को देख सकता है, अभी निकाल के बोल देगा देख रहा व्हाइट व्हाइट पॉजिटिव। मैंने कहा सर हो गया क्या? अभी काम मुंह से बचना है तो। फिर मेरे मुंह में हाथ डाला, मेरे टोन से लिला दिए। यार रो क्यों नहीं रहे हो, रोज हो ना एक बार। मैंने रोना चालू कर, आप ठीक आप जाओ। अब हुआ टेस्ट, गए थे दुबई पूरे लॉकडाउन, इसमें लॉकडाउन में मजा नहीं आ रहा था। मेरा बर्थडे था तो मैंने ग्रुप पे लिखा दोस्तों को, मैंने कहा आ जाओ मेरे घर पार्टी करते हैं।
तो दो ही आए, बाकी सारे पॉजिटिव थे। तो जो पॉजिटिव है वही नहीं आ रहे, कह रहे डर लग रहा है। मैं किस चीज से इस बार यहाँ असर कर रहा है कि? मैंने कहा आ जाओ हमें भी हो जाएगा, सब दारू पी के ठीक हो जाएंगे। वो नहीं आए तो हम तीन ही रह गए। हमने बढ़िया पार्टी वार्टी करी, मेरे शेफ ने अच्छा खाना उन्हें खिलाया। सुबह में उठ के आया तो मेरा शेफ ही घर में मास्क लगा घूम रहा। मैंने कहा क्या हो गया? कह रहा तबीयत थोड़ी डाउन लग रही है। मैं कब से? कह रहा कल रात से। मैंने कहा तो कल रात क्यों नहीं बताया? कह रहा बताया था, आपने गॉड ब्लेस यू बोल दिया।